स्टूडेंट्स, तो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट के वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हुए नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोवोलेमिया। अब हाइपोवोलेमिया क्या होता है? ये हमारा जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो हम पढ़ रहे थे उसका एक पहला डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया क्या होता है, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है FVD, यानी कि फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंट, ठीक है, यानी कि पानी की कमी। फ्लूड यानी कि लिक्विड, हमारे बॉडी में जो लिक्विड है, फ्लूड है, उसकी कमी हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोवोलेमिया कहलाता है, ठीक है। और ये जो हाइपोवोलेमिया है, कब आप हाइपोवोलेमिया कहोगे? बॉडी के अंदर जो फ्लूड लॉस हो रहा है उसे आप कब हाइपोवोलेमिया कहोगे? तो कब कहेंगे जो हमारा ECFA यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, वो हमारा उसका जो लॉस है इज ग्रेटर देन इनटेक, यानी कि आप जो लिक्विड पी रहे हो, पानी वगैरह पी रहे हो, उसका जो इनटेक अमाउंट है उससे ज्यादा ECF का लॉस हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोवोलेमिया कहलाता है, ठीक है। अब हाइपोवोलेमिया के साथ एक वर्ड और आता है कि डिहाइड्रेशन। अब हाइपोवोलेमिया मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ फ्लूड होता है, तो डिहाइड्रेशन के अंदर भी लॉस ऑफ फ्लूड होता है। लेकिन अब इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है भाई? मैं हाइपोवोलेमिया को डिहाइड्रेशन क्यों नहीं कह रहा हूँ और डिहाइड्रेशन को हाइपोवोलेमिया क्यों नहीं कह रहा हूँ? तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उस चीज को देखना कि आपको कभी भी हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन में कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों? कि जब हाइपोवोलेमिया होता है तो इसके अंदर जो लॉस होता है ना, वो वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों का इक्वल प्रपोर्शन में लॉस होता है। लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, किसके अंदर? हाइपोवोलेमिया के अंदर। अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो आपका वाटर है सिर्फ वही लॉस होगा, किसके अंदर? डिहाइड्रेशन के अंदर। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा कि जो सिर्फ वाटर है वही लॉस होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लॉस नहीं होगा। इसी रीजन की वजह से जो जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर, तो हमारे जो सीरम में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसमें सीरम सोडियम। तो जब डिहाइड्रेशन के दौरान जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सोडियम है उसका लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सोडियम क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। और डिहाइड्रेशन मैंने क्या बताया कि डिहाइड्रेशन में सिर्फ और सिर्फ पानी का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस नहीं होता है। तो डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है? सीरम सोडियम लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे हाइपोवोलेमिया में नहीं होता। हाइपोवोलेमिया में क्या होता है कि जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट है वो एक इक्वल अमाउंट में सेम प्रोपोर्शन में लॉस होते हैं, ठीक है। अब जो डिहाइड्रेशन वो हो कैसे रहा है, यानी सॉरी जो आपका हाइपोवोलेमिया है उसका कॉज क्या है? देखो, पहले मैंने ये कहा कि जब आपका जो ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है वो लॉस हो जाए, किससे ज्यादा? आपके इनटेक से ज्यादा। आप इनटेक तो कम कर रहे हो लेकिन आपका जो फ्लूड लॉस हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? हाइपोवोलेमिया होगा। और यही कंडीशन रैपिडली अकर करती है जब आप क्या करते हो कि जो इनटेक है वो आपका कम हो, यानी कि बहुत ज्यादा कम हो, सीवियर लॉस ऑफ इनटेक हो, यानी कि फ्लूड लॉस तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ क्या कर रहा है कि आपने जो इनटेक था वो काफी कम कर दिया है, ठीक है। एक तो देखो लॉस हो रहा है फ्लूड का, वो आपको हाइपोवोलेमिया की तरफ लेके जा रहा है। इसको मेंटेन कौन करके रखता है कि आप जितना इनटेक कर रहे हो, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, इनटेक को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया। तो ये क्या होगा, जो हाइपोवोलेमिया है वो रैपिडली अकर होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया हो सकता है कि आपने जो ये लॉस ऑफ इनटेक था, यानी कि आप पानी वगैरह कम पी रहे थे, लिक्विड कम ले रहे थे, तो ये इनटेक एक लंबे समय से चल रहा है, यानी कि प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ इनटेक है, तो ये आपको क्या कॉज होगा? हाइपोवोलेमिया कॉज होगा, ठीक है। तो समझ में आया हाइपोवोलेमिया? हाइपोवोलेमिया क्या है? जैसे लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड मोर देन योर इनटेक, वो क्या कहलाता है? हाइपोवोलेमिया कहलाता है। और हाइपोवोलेमिया में आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में लॉस होते हैं, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया समझ में आ गया होगा और आपको डिहाइड्रेशन के अंदर भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया में क्या डिफरेंस है।
अब इसके हम कॉजेज की बात कर लेते हैं कि भाई कॉजेज क्या है, हाइपोवोलेमिया को कॉजेज क्या है, क्या क्या चीज़ हाइपोवोलेमिया कॉज करवाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉजेज की, तो पहला कॉज क्या है, एबनॉर्मल फ्लूड लॉस। पहला कॉज क्या है, एबनॉर्मल फ्लूड लॉस। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा आपका वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई सक्शनिंग यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग, जब आप सक्शन करते हो, ठीक है, और स्वेटिंग। इन सब में क्या है कि आपका जो बॉडी लॉस को एबनॉर्मली लॉस हो रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, सारा जीआई कंटेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्लूड लॉस होता है। डायरिया में बाय मोशंस के थ्रू क्या होगा, फ्लूड का लॉस होगा। जीआई सक्शनिंग यानी कि जब हम किसी पेशेंट का सक्शन करते हैं, किससे, स्टमक से, ठीक है, जीआई सक्शनिंग का मतलब स्टमक से सक्शनिंग करते हैं, तो क्या कहलाती है, जीआई सक्शनिंग कहलाती है, उसमें भी फ्लूड लॉस होता है। स्वेटिंग, पसीने के थ्रू एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा, आपका फ्लूड लॉस होगा, ठीक है, वो भी क्या करवाएगा, आपका हाइपोवोलेमिया कॉज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो पहला था। दूसरा, लैक ऑफ इनटेक। पहला कॉज क्या था, एबनॉर्मल फ्लूड लॉस था। दूसरा कॉज क्या है, लैक ऑफ इनटेक। अब लैक ऑफ इनटेक कब कब होगा, या तो आपको नौजिया हो, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, उल्टी उल्टी का सा मन कर रहा है, तो नौजिया होगा, उसमें क्या होगा, लैक ऑफ इनटेक हो। दूसरा, लैक ऑफ एक्सेस टू फ्लूड, क्या फ्लूड को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पानी मिल ही नहीं रहा है पीने के लिए। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप ट्रिप पे जाते हो, कहीं ट्रेवल करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो साफ पानी पीने के लिए पानी चाहिए वो मिल नहीं पाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत लंबे समय तक पानी नहीं पी पाते, जैसे ये कंडीशनल है, सिचुएशनल कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, आपका लैक ऑफ इनटेक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है, अगर मैं थर्ड कॉज की बात करूं, तो थर्ड कॉज है आपका डायबिटीज इंसिपिडस, एक डिजीज कंडीशन है, डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या है, ये एक डिजीज कंडीशन है, मैं इसके बारे में ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, बस बता देता हूँ इसके अंदर से जो फ्लूड लॉस है, हाइपोवोलेमिया कैसे कॉज होगा। डायबिटीज इंसिपिडस में एक हार्मोन की कमी हो जाती है, इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, एक लैक ऑफ हार्मोन हो जाता है, उस हार्मोन का नाम है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन दूसरे नाम से हम जानते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। अब ये हार्मोन क्या करवाता है, ये आपकी बॉडी में फ्लूड रिटेंशन करवाता है, ये हार्मोन क्या करवाता है, फ्लूड का रिटेंशन करवाता है, यानी कि पानी को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, अब इसकी क्या हो गई, लैक ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि ADH। अब जब इसकी कमी होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी कमी में क्या होगा, अगर इसकी प्रेजेंस में पानी बॉडी के अंदर रुक रहा है, तो इसकी एब्सेंस में, इसकी कमी में क्या होगा, जो वाटर है वो बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हाई अमाउंट, इस डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन में क्या होगा, इस हार्मोन की वजह से हाई अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, और जब ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, ये कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म हो रहा है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, तो ये एट द एंड क्या लीड करेगा, हाइपोवोलेमिया। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज बता देता हूँ, वो ध्यान रखना कि देखो, जब आपका यूरिन है वो डायल्यूटेड है, ठीक है, डायल्यूटेड है, यानी कि ये कंसेंट्रेटेड नहीं है। एक होगा आपके कंसेंट्रेटेड यूरिन, और एक होगा डायल्यूट यूरिन। ठीक है, इसको मैं यहां से रफ कर ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना।
कि जब आपका डायबिटीज इंसिपिडस होती है तो उसके अंदर जो यूरिन होता है आपका वो डायल्यूट होता है। क्या होता है? डायल्यूट होता है। तो हम एक चीज पे बात करते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पहले यहां पे हम दो टाइप की यूरिन लिख लेते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड यूरिन और दूसरा है डायल्यूटेड यूरिन। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि क्या कंसंट्रेटेड है और क्या डायल्यूशन है। जब बात करेंगे हम कंसंट्रेटेड यूरिन की, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके सॉल्यूट्स हैं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसकी मात्रा कम है। यानी कि जो सॉल्यूट्स हैं वो इंक्रीज होंगे और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड यानी कि फ्लूड, लिक्विड नहीं फ्लूड बोलेंगे हम, फ्लूड की बात कर रहे हैं, तो जो फ्लूड है वो डिक्रीज होगा। यानी कि फ्लूड क्या है आपका H2O और सॉल्यूट्स में क्या आएंगे आपके भाई प्रोटीन्स आ जाएंगे, शुगर आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूट्स इंक्रीज होंगे और सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन कहलाएगा। और कंसंट्रेटेड जब यूरिन कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी USG यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी। किसके केस में? कंसंट्रेटेड यूरिन के केस में, ठीक है। डाइल्यूशन के केस में क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और जो सॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट्स वही सेम ये चीजें रहेंगी, सॉल्यूशन सेम वही रहेगा। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो ये तीन चीजें हैं है ना, ये क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी और जो हमारा H2O है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, डायल्यूटेड यूरिन कहलाएगा। यानी कि अब देखो पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, डायल्यूशन हो गया। तो डायल्यूशन के केस में यानी कि डायल्यूटेड यूरिन के केस में जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यानी कि USG है वो हमेशा डिक्रीज होती है। ध्यान रखना इस बात को कि जब जब आपका यूरिन डायल्यूट होगा तो उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी और जब जब आपका यूरिन कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई यूरिन स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है ना, कि भाई हम कब कहेंगे कि ये बड़ी हुई है और कब कहेंगे घटी हुई है, तो उसके लिए हम पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है, तभी तो आप कह पाओगे। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है, अगर मैं रेंज की बात करूं, नॉर्मल रेंज की बात करूं, तो ये होती है आपकी 1.005 से लेके 1.030 तक, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर ये बढ़ती है, अगर इससे ऊपर जाती है तो ये इंक्रीज कहलाएगी, अगर इससे नीचे आती है तो ये डिक्रीज कहलाएगी। समझ में आया? तो क्वेश्चन में हमने जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस में आपने दो तीन चीजें देखी है कि भाई इसके अंदर किस हार्मोन की कमी होती है और उस हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होता है। जो ज्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी से लॉस होगा और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होगा उसके साथ साथ क्या होगा, आपका हाइपोवोलेमिया अकर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है आपका, फोर्थ आपका आता है एड्रिनल इनसफिशियंसी। अब एड्रिनल इनसफिशियंसी क्या कहलाता है, हमारे बॉडी में ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। वो एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन्स निकालता है, एड्रिनल ग्लैंड, ये हम आप पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे एड्रिनल ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स निकालता है एड्रिनल ग्लैंड। इसमें से हमारा जो एक यहाँ पे जो हमारे हाइपोवोलेमिया को कॉज कर रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो इनसफिशियंसी यानी कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है ना, किसी चीज की कमी कर रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन हमारा निकलता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अब इस हार्मोन का जो नॉर्मल कंडीशन में जब एड्रिनल इस हार्मोन को निकालता है तो इस हार्मोन का काम होता है सोडियम प्लस क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन करवाना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कब? जब हमारी जो कंडीशन है जो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल कंडीशन में एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, इसका सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा किडनी से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले जो पहले लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि सोडियम और H2O का जो रिलेशन है वो क्या है। उसमें क्या होता है कि जब जहां मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे सोडियम जाएगा
उसके पीछे पीछे क्या आएगा, H2O आता है। ये मैं आपको रिलेशन बताया था सोडियम और वाटर का। तो अगर ये हार्मोन सोडियम का रिटेंशन करवा रहा है तो सोडियम के साथ साथ क्या आएगा, पानी आएगा, ठीक है। तो फ्लूड की जो फ्लूड है वो उसकी रिटेंशन पूरी होगी, फ्लूड का रिटेंशन होगा। तो इस कंडीशन में हमारी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा कि एड्रेनल ग्लैंड से इसी हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर मैं कहूं होता ही नहीं है, नो प्रोडक्शन, ठीक है। और जब एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, किडनी जो यूरिन बना रही थी, यूरिन आउटपुट करेगी, यानी जो कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा था उसके अंदर क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड बाहर निकलेंगे। अब सोडियम बाहर गया तो सोडियम के साथ साथ क्या गया, पानी भी बाहर गया। अब पानी बाहर गया तो क्या होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया। और जब लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, ठीक है भाई। तो आपका जो एड्रेनल इनसफिशिएंसी थी वो समझ में आ गई, कैसे एड्रेनल इनसफिशिएंसी कॉज करती है हाइपोवोलेमिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉजेस थे, मेन कॉजेस ये थे। आगे और भी बहुत सारे कॉजेस हो जाते हैं, ऑस्मेटिक डायूरेसिस हो जाता है ना, ये सारे और भी एक दो और कॉजेज हैं, लेकिन मेन यही है जो आपको करने हैं। और जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, मान के चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम्स देते हो, बीएससी जीएनएम वगैरह के देते हो, तो उसमें अगर कॉजेज पूछते तो आपको इन कॉजेज को इनलिस्ट करने के बाद इनको एक्सप्लेन करना होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस कैसे कॉज करता है, एड्रेनल इंसफिशिएंसी से आपका जो हाइपरवोलेमिया वो कैसे कॉज होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, सबसे पहला डिक्रीज यूरिन आउटपुट। भाई हाइपोवोलेमिया है, पानी की कमी है, तो भाई पानी की कमी है तो किडनी को पानी मिलेगा नहीं, और किडनी को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, और यूरिन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, या मैं कहूं लो यूरिन आउटपुट, एक ही बात है, या फिर मैं कहूं ओलिगोयूरिया, ठीक है, या फिर कहूं ओलिगोयूरिक कंडीशन, यूरिक कंडीशन। इन सब का मतलब एक ही है, लो यूरिन आउटपुट, ठीक है। पहला सिम्टम्स क्या हुआ, लो यूरिन आउटपुट। और लो यूरिन आउटपुट क्यों हो रहा है, कि बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। जब पानी की कमी होगी तो किडनी के पास पानी पहुंचेगा नहीं, और जब किडनी के पास पानी पहुंचेगा नहीं तो किडनी यूरिन बनाएगी नहीं, और जब किडनी यूरिन बनेगा ही नहीं तो यो आउटपुट भी लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज स्किन टर्जर टर्जिस्टी, जो स्किन का टर्जिस्टी होती है ना, ये डिक्रीज हो गया, स्किन टर्जर डिक्रीज हो जाएगा। अब स्किन टर्जर क्या होता है, ये इलास्टिसिटी होती है, स्किन की इलास्टिसिटी होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बैलून लो, एक बैलून, बैलून लिया, अब बैलून के अंदर पानी भर दो, ठीक है, फुल पानी से भर दिया, वो पूरा फूल जाएगा। अब जैसे ही फूलेगा तो अब उसको ना, अब जो स्किन, जो उस बैलून की लेयर है वो आपकी स्किन है, जो बैलून की बाहर वाली लेयर थी वो स्किन है, और उसके अंदर जो पानी है वो अपना यही, ठीक है, फ्लूड है। तो अब हमारा जो हाइपोवोलेमिया था उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट था उसमें से फ्लूड का लॉस हो रहा था, यानी कि जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है उसमें से फ्लूड लॉस हो रहा है, यानी कि आपने जो गुब्बारा भरा था, जो बैलून लिया था, उसके अंदर जो पानी की कमी कर दो तो वो श्रिंक होगा, ठीक है। अगर आपका जो बैलून लिया आपने उसे फुली फिल किया, मैं उसको पिंच करता हूँ, एक गुब्बारे को मैं पिंच करता हूँ और पिंच करके छोड़ दो, ऐसे पकड़ के छोड़ दो, वो वापस से अपनी नॉर्मल स्पेस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ था वो फोर्स कर रहा है उसको, उसमें फोर्स डाल रहा है उसको, उसकी जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आप गुब्बारे को पकड़ के पिंच करते हो, प्रेस करते हो, तो पानी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो जो पिंच किया है उसका जो एरिया है वो आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। वो तब तक ही उस कंडीशन में रहेगा जब तक आप उसे पकड़ के रखोगे, जैसे ही आपने उसको छोड़ा, उस एरिया को वहां से छोड़ा, तो पानी, जो पानी बैलून के अंदर था वो फोर्स लगाएगा उस वाली सतह को वापस से नॉर्मल कर देने के लिए, ठीक है। सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, स्किन के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, फ्लूड के कंपार्टमेंट्स हैं। तो जो आप जब स्किन को नॉर्मल, इंसान की जो नॉर्मल कंडीशंस रहेगी पेशेंट की, उसके अंदर जब स्किन को पिंच करते हो तो वापस स्किन बहुत जल्दी अपने उसके अपनी नॉर्मल स्टेज पर चली जाती है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल इंसान के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर जो फ्लूड है वो नॉर्मल है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो लॉस नहीं हुआ है,
ठीक है। लेकिन हाइपोवोलेमिक पेशेंट के अंदर जब आप स्किन को पिंच करते हो तो ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वापस से अपनी कंडीशन में नॉर्मल शेप में आने के लिए वो उसका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा टाइम लेता है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। तो जो स्किन हम करते हैं तो इसका जो टाइम होता है वो एडल्ट के अंदर 3 सेकंड होता है, यानी कि अगर किसी आप किसी अडल्ट नॉर्मल अडल्ट की स्किन को पकड़ कर पिंच करोगे छोड़ दोगे तो 3 सेकंड के अंदर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन हाइपोवोलेमिक कंडीशन में ये टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्किन टर्जर समझ में आया। आगे देखते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन इस बात का ध्यान रखना अगर हाइपोवोलेमिया का कॉज डायबिटीज इंसिपिडस है, अगर हाइपोवोलेमिया का कॉज क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस, तो इस केस में जो आपकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। क्यों होगी पहले बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट, इससे आगे आप थोड़ा सा देखो कि हाइपोवोलेमिया है तो यानी कि फ्लूड का लॉस है, अब फ्लूड का लॉस होगा तो फ्लूड क्या क्या बनाने में हेल्प करता है आपका, ब्लड, ब्लड के साथ मिक्स होता है ना फ्लूड, तभी तो बॉडी, तभी तो वो कंपार्टमेंट बनाता है, पूरा एक अमाउंट बनाता है। तो अब इस ब्लड के अंदर क्या है, आपके फ्लूड भी हैं और सॉल्यूट्स भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, ठीक है। ये इंक थोड़ी फेड हो रही है तो मैं ब्लू का यूज ज्यादा करूंगा ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो। तो सॉल्यूट्स हैं, अब इस फ्लूड का हो गया, हो गया लॉस हो गया, तो क्या बचे, सिर्फ सॉल्यूट्स बचे। जब सॉल्यूट्स बचेंगे तो इसमें क्या होता है, सोडियम पोटाशियम होता है प्लस सोडियम होता है, तो कॉज आपकी जो साइनस सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, इसका लेवल इंक्रीज भी मिलेगा और इसका लेवल डिक्रीज भी मिलेगा, सेम इसका लेवल भी इंक्रीज मिलेगा और इसका लेवल डिक्रीज भी मिलेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बता देता हूं। देखो मैंने अभी आपको बताया था क्या, एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी जिसमें एक हार्मोन निकल रहा था एल्डोस्टेरोन, और ये क्या करवा रहा था, सोडियम का रिटेंशन करवा रहा था, ठीक है, क्या करवा रहा था, सोडियम का रिटेंशन, यानी कि यूरिन में से सोडियम को उठा के वापस बॉडी में डाल रहा था। तो जब सोडियम का रिटेंशन होगा, जब सोडियम का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, सोडियम बढ़ रहा है बॉडी के अंदर तो यह कहलाएगा हाइपरनेट्रीमिया, क्या कहलाएगा, हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा। और एक चीज मैंने आपको पहले, जब पहले लेक्चर्स में आपको एक चीज बताई थी कि सोडियम और पोटेशियम का एक रिलेशन होता है कि जहां सोडियम होगा, अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो बॉडी के अंदर पोटेशियम के केस में क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम कम होगा, पोटेशियम बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर जो सोडियम एल्डोस्टेरोन हार्मोन था उसकी होगी डेफिशिएंसी, उसकी जब डेफिशिएंसी हुई तो जो रिटेंशन हो रहा था सोडियम का वो नहीं हो पाएगा, यानी कि जब सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा तो सोडियम कहां जाएगा, बॉडी से बाहर जाएगा, एक्सक्रीट आउट होगा, और जब ये एक्सक्रीट आउट होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है यानी कि सोडियम बाहर जा रहा है, तो अंदर कौन आएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, भाई अगर सोडियम बॉडी से बाहर जा रहा है तो अंदर कौन आएगा, पोटेशियम आ जाएगा, रिलेशन बताया था कि सोडियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम अंदर आएगा, और अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो पोटेशियम बाहर जाएगा। तो हाइपोनेट्रीमिया के केस में पोटेशियम के रिलेशन में क्या होगा, हाइपर कैलेमिया आया। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का रिलेशन, यानी कि पोटेशियम और सोडियम का जो वो क्या होगा, एलिवेट भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, ये तो हमारा सॉल्यूट का, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फ्लूड की बात करेंगे, ठीक है, कि भाई फ्लूड है, फ्लूड का लॉस हुआ, फ्लूड का लॉस हुआ तो जो ब्लड था, ब्लड की अमाउंट थी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई फ्लूड किससे, जो ब्लड है वो किससे बना है, फ्लूड से ही तो बना है ना, तो जो फ्लूड का लॉस होगा तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड है,
डिक्रीज हुई, अमाउंट ऑफ ब्लड डिक्रीज होगी तो देखो बहुत सारी चीजें होंगी। हम पहले लेके चलते हैं हार्ट के पास। अगर अमाउंट ऑफ ब्लड डिक्रीज हुआ है तो हार्ट के केस में क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। समझाया? एक मिनट, तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो ब्लड का ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड वेरियस ऑर्गन्स के पास जा रहा है वो अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड रीचेस द ऑर्गन्स, यानी कि ऑक्सीजन जो उनकी हर ऑर्गन की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए जो कार्डिक आउटपुट से ब्लड उन ऑर्गन्स तक जा रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। अब भाई वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई, यानी अगर ब्लड कम है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन को बाइंड करेंगी सेल्स वो कम होंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इसको प्रिवेंट करने के लिए मुझे क्या करना, मुझे कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो जब मेरा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो मेरा जो सिस्टम वो क्या बोलेगा हार्ट को कि अब कार्डिक आउटपुट बढ़ाओ। अब कार्डिक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, दो कारणों से बढ़ेगा। पहला, या तो जो फ्लूड लॉस हुआ उसको बढ़ा दो आप तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो नहीं बढ़ा पा रहे हो तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज कर दो। ठीक है भाई, अब तक तो ये 5 साइकिल में सफिशियंट कार्डिक आउटपुट दे रहा था, अब मेरा क्या हो गया, फ्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। फ्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया। अब इस कार्डिक आउटपुट को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो फ्लड वॉल्यूम जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस कर दूं, उसको नॉर्मल कर दूं। अगर उसे नहीं कर पा रहा हूं तो जो 5 साइकिल पहले हार्ट काम कर रहा था इसको 10 साइकिल करवाऊंगा, यानी कि इसकी वर्किंग स्पीड है उसे इंक्रीज कर दूंगा। और जैसे ही कार्डिक आउटपुट को मीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारा हार्ट अपना काम बढ़ाएगा तो हमारा एक सिम्टम मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, या फिर बोलो इंक्रीज पल्स। समझ में आया? ये था आपका कार्डिक रिलेटेड। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है इसको मैं रफ कर दूं। समझ में आ गया कि भाई हाइपोवोलेमिया अगर होता है तो उसमें हार्ट रेट कैसे बढ़ती है। ठीक है, अब हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा, देखो अमाउंट ऑफ ब्लड था जो हाइपोवोलेमिया हुआ था, हाइपोवोलेमिया क्या हुआ, फ्लूड का लॉस हुआ, फ्लूड का लॉस हुआ तो ब्लड जो ब्लड की अमाउंट थी वो भी कम हुई, लेकिन किसके अंदर हुई, वेसल्स के अंदर हुई। किसके अंदर हुई, वेसल्स के अंदर हुई। अब वेसल्स के पास क्या कैपेसिटी होती है, ये वेसल्स दो तरह से काम करती हैं, एक करती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक होता है वैसो डायलेशन। अभी दोनों का अपना अपना काम है, यानी कि जब ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर पहले ब्लड इतना था, मतलब पूरा फिल होके चलता था। ठीक है, लेकिन किसी कंडीशन से हमारा फ्लूड का लॉस हुआ और जो इसकी अमाउंट थी वो कम हो गई, यानी कि ये इसका ब्लड वेसल का डायमीटर बड़ा रहा लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड कम हो गया, जिससे हमारा बीपी फॉल हुआ। अब इस बीपी फॉल को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूं, हमारी बॉडी क्या करेगी, इन वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी, यानी इनको नैरो कर देगी, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ ब्लड है उतना अमाउंट इसको क्या कर देगा, नैरो कर देगा। जैसे ही नैरो होगा तो हमारा बीपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बीपी। सेम वैसे डायलेशन में जब बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको कुछ टाइम के लिए मैनेज करने के लिए बॉडी क्या करती है, वैसो डायलेशन करवा देती है, वेसल्स का जो डायमीटर से इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारा जो ब्लड बीपी इंक्रीज बीपी था वो कुछ टाइम के लिए ट्रीट हो जाता है, अनटिल अनलेस आप उसका जो रूट कॉज है वो ट्रीट ना करो। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिम्टम समझ में आया। और सिम्टम क्या होगा आपका, आपकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या थे आपके साइनस सिम्टम्स। एक कॉज मैं बताना भूल गया हूँ, वो कॉज मैं दोबारा बता रहा हूँ तो देख लेना। एक कॉज के अंदर जो एक कॉज आता है आपका थर्ड स्पेसिंग, मैंने पहले भी बताया था थर्ड स्पेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स के अंदर फ्लूड होता है, यानी कि इंट्रा वेस्कुलर फ्लूड होता है, जो उसकी मूवमेंट होती है, इंट्रावस्कुलर बोल लूं फ्लूड बोल लूं या फिर मैं वस्कुलर फ्लूड बोल लूं, वस्कुलर सिस्टम से
वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम में क्या आएगा, ब्लड वेसल्स आती हैं, ध्यान रखना कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ब्लड वेसल्स आती हैं, तो इनके अंदर से जब फ्लूड मूवमेंट करता है किसी अदर बॉडी अदर कैविटी में, अदर बॉडी कैविटी में, तो ये क्या कहलाता है, थर्ड स्पेसिंग कहलाता है। इसको इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अडीमा देखने को मिलेगा, ठीक है, अडीमा और एसाइटिस, ठीक है भाई। अब एसाइटिस क्या होता है, एसाइटिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन अदर बॉडी कंपार्टमेंट्स, सॉरी पेरिटोनियल कैविटी, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन पेरिटोनियल कैविटी, कि जब आपका फ्लूड कहां पे इकट्ठा हो, पेरिटोनियम कैविटी में हो, तो वो क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है। ये कॉजेज में आएगा थर्ड स्पेसिंग, ठीक है, मैं बताना भूल गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, तो इसको देख लेना, ठीक है। कॉजेज हो गए, साइन एंड सिम्टम्स हो गए, अब मैनेजमेंट की तरफ चलते मैनेजमेंट में क्या होगा आपका मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं तो जो आपका मैनेजमेंट है ना, वो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीवियरिटी ऑफ द हाइपोवोलेमिया, ठीक है। एक मिनट में एक मैसेज कर देता हूं यार, बस क्षमा चाहते हैं, तो मैनेजमेंट हम जो हमारा मैनेजमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी सीवियरिटी ऑफ द हाइपोवोलेमिया, कि आपकी जो डिजीज कंडीशन है उसकी सीवियरिटी क्या है। अगर आपका जो हाइपोवोलेमिया है वो सीवियर नहीं है, नॉट सीवियर, तो उसमें हम क्या करेंगे, ओरल रूट प्रीफर करेंगे, क्या करेंगे, ओरल रूट प्रीफर करेंगे हम भाई, ओरल रूट लेंगे, पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे भाई। अगर थोड़ा बहुत हाइपोवोलेमिया हो तो उसे पानी पीने के लिए दो, ORS दो, बहुत सारे से नमक दे, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हाइपोवोलेमिया के साथ उसको नमक की कमी हो रही है, तो नमक घोल देते हैं ना, लस्सी वगैरह देते हैं, नमक का घोल देते हैं, ORS देते हैं, सिंपल पानी देते हैं, ठीक है। हाँ, साइन एंड सिम्टम्स में उसको प्यास भी लगेगी, एक चीज़ और रखना, थर्स्ट उसको देखने को मिलेगी, किसमें, साइन एंड सिम्टम्स में थर्स्ट देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, और उसकी जो बॉडी रहेगी वो कूल रहेगी, और पेलनेस भी देखने को मिल सकता है, पेल स्किन भी देखने को मिलेगा, ये सिम्टम्स में है, तीन चार सिम्टम्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम उसको क्या देंगे, ओरल रूट प्रीफर करेंगे, ठीक है, ओरल रूट से ओरल से हम उसे लिक्विड्स देंगे, ठीक है। अगर आपका जो हाइपोवोलेमिया है वो एक्यूट है, एक्यूट और उसके साथ साथ सीवियर है, तो हम क्या, कौन सा रूट लेंगे, आईवी रूट लेंगे हम, कौन सा रूट लेंगे, आईवी रूट, और आईवी रूट जब हम लेते हैं, कैनलाज वगैरह लगाते हैं, तो उसके दौरान, यानी कि जब सीवियर और एक्यूट हाइपोवोलेमिया होगा, तो आपका एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जो आप किसी और चीज से पहले, सबसे पहले वो चीज करोगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब आईवी रूट लेंगे हम उसको, तो आइसोटॉनिक फ्लूड्स देंगे हम, क्या देंगे, आइसोटॉनिक फ्लूड्स देंगे, और इसको नोट कर लेना है, ठीक है, मेरा जो दूसरा मार्कर वो चल नहीं रहा है, पर मैं नोट डाल देता हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कि जो आइसोटॉनिक फ्लूड हम थेरेपी देंगे, हमारी फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि हाइपोवोलेमिया का जो सबसे पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, आपका आइसोटॉनिक फ्लूड्स होता है। अब आइसोटॉनिक फ्लूड्स में क्या होंगे आपके, एक तो आपका आ जाएगा RL, इसके साथ साथ आएगा 0.9% NS, NS दो तरह की आती है, ध्यान रखना, 0.9% और 0.45%, ठीक है, इसको बोलते हैं फुल NS, और 0.45 को बोलते हैं हाफ NS, ठीक है। तो आइसोटॉनिक फ्लूड हम क्यों देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा वॉल्यूम है, उसको एक्सपेंड कर देता है, एकदम से बढ़ा देता है, समझ में आया कि हम आइसोटॉनिक फ्लूड्स क्यों दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब पहले प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुई होगी, और जब आपकी जब हाइपोवोलेमिया में प्लाज्मा वॉल्यूम कम होती है, तो उससे एक और सिम्टम आपकी ये दिखाता है, यानी कि मैं बोलूं डिक्रीज, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, कि आइसोटॉनिक फ्लूड्स देंगे, ये चीज देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है, फर्स्ट लाइन जो सब ट्रीटमेंट है कौन सा, आइसोटॉनिक फ्लूड, इसके अंदर दो फ्लूड्स हम मेजरली देते हैं, RL और 0.9, यानी कि फुल NS, ठीक है। अब इस, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम्स कम हो रही है, तो उससे एक चीज देख लो कि उससे क्या होगा,
मैनेजमेंट में नहीं है, अगर ऐसा आप ऐसे साइन एंड सिम्टम्स में लिख सकते हो ठीक है, कि जब डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम होता है तो क्या होता है कि भाई सॉल्यूशन तो कम हो गया ना, यानी फ्लूड तो कम हो गया, उसमें क्या बची, प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा किस चीज से बनती है, ब्लड सेल से बनती है प्लस सॉल्यूशन, यानी कि फ्लूड से बनती है। और जब फ्लूड ही हमारा लॉस हो गया तो क्या बचा, सिर्फ ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स बची, और ब्लड सेल्स में क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि इनका लेवल इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो कम हो गया तो ये क्या हो गए, कंसंट्रेटेड हो गए, और जब ये कंसंट्रेटेड होते हैं यानी कि इनका लेवल आपकी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो क्या कहलाता है, इंक्रीज इन हेमेटोक्रेट, यानी आपका ब्लड का जो हेमेटोक्रेट है वो बढ़ जाता है ठीक है। तो ये आपके एक साइनस सिम्टम आएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम से रिलेशन में है, तो इसे आप साइनस सिम्टम्स में लिख सकते हो कि भाई हाइपरवोलेमिया में ये लेफ्ट फेंडिंग्स में आएगा, जब आप टेस्ट करवाओगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाओगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हेमेटोक्रेट में जब चेक करोगे वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है। अभी हम डायग्नोसिस इसके आगे डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को देख के, तो ये समझ में आया हेमेटोक्रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो प्लाज्मा वॉल्यूम में कम हो रहा है, सिर्फ क्या बची, ब्लड सेल्स बची, जिसकी वजह से ये इंक्रीज होंगे, इसी के इंक्रीज को हम बोलते हैं इंक्रीज इन हेमेटोक्रेट ठीक है। डायग्नोसिस हमें मैनेजमेंट से पहले करना था लेकिन हम कोई नहीं, अब इसके बाद कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपको क्या करना है, फ्लूड्स देने हैं, जैसे ही आपने एसिटोनिक फ्लूड्स दिए, एसिटोनिक फ्लूड देने के बाद क्या होगा कि पेशेंट थोड़ा सा रिकवर करेगा ना, थोड़ा सा नॉर्मोटेंसिव होगा, नॉर्मोटेंसिव यानी कि जब वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ आएगा तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मोटेंसिव। जैसे ही वो नॉर्मोटेंसिव कंडीशन में आता है तो हम आइसोटोनिक फ्लूड बंद करके हम हाइपोटोनिक फ्लूड स्टार्ट कर देते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूड स्टार्ट कर देते हैं ठीक है। और हाइपोटोनिक में हम देंगे हाफ एमएस, मैंने बताया आपको हाफ एमएस ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट में एक चीज और करते हैं भाई, ये तो आपने क्या किया है कि भाई ट्रीटमेंट किया, फ्लूड वॉल्यूम एफवीडी का ट्रीटमेंट दे रहे थे आप, हाइपोवॉल्यूमिया का ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो ठीक है जी भाई। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई जो आपका एफवीडी यानी कि जो हाइपोवॉल्यूमिया है वो किसकी वजह से हो रहा है, कि भाई जो हमारा रीनल फंक्शन था वो डिप्रेस हो रहा था क्योंकि भाई फ्लूड लॉस हो रहा था ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने सारे मैनेजमेंट दे दिए हाइपोवॉल्यूमिया को ट्रीट करने के लिए, सारे मैनेजमेंट्स दे दिए, लेकिन सारे मैनेजमेंट देने के बाद भी आपका जो ओलीयूरिक कंडीशंस थी यानी कि जो लो यूरिन आउटपुट था वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है स्टिल, भाई आपने आइसोटोनिक भी दे दिया, आईवी रूट से भी दे दिया, बोलस भी दे दिया, लेकिन स्टिल आपकी कंडीशंस क्या है कि भाई जो आपका यूरिन लो यूरिन आउटपुट था वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, स्टिल यूरिन आउटपुट लो है। तो इस कंडीशन में एक डाउट चला जाता है कि जो आपका जो डिप्रेस रीनल फंक्शन है, जो डिप्रेस रीनल फंक्शन है उसका कॉज हाइपोवॉल्यूमिया नहीं है, एफवीडी नहीं है। इसके बजाय ये सेकेंडरी कॉज हो सकता है इस केस में, किस केस में, जब आप हाइपोवॉल्यूमिया यानी फ्लूड वॉल्यूम लॉस का जो मैनेजमेंट था वो सारा देने के बाद भी आपका जो यूरिन आउटपुट है वो लो है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई अगर हाइपोवॉल्यूमिया कॉज होता है यानी कि फ्लूड वॉल्यूम लॉस, फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंट कॉज होता किसका, रीनल फंक्शन के डिक्रीज होने का, तो भाई इससे ट्रीट हो जाता, आपने जो आईवी फ्लूड्स दिए उसे ट्रीट हो जाता। अगर उनके देने के बाद वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो ये उसका कॉज नहीं है ठीक है। उसका कॉज क्या हो सकता है, लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या मैं बोलूं लो ब्लड परफ्यूजन टू द किडनी, फ्यूजन टू किडनी, यानी कि किडनी को ब्लड की अमाउंट कम मिल रही है ठीक है। अब जब ब्लड की अमाउंट किडनी को कम मिलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर नेक्रोसिस होगा, तो इसी की वजह से कंडीशन अराइज होती है, उसका नाम है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसकी वजह से आपका जो हाइपोवॉल्यूमिया मेंटेन हुआ था वो इसकी वजह से हुआ था, क्यों, क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स थे किडनी के वो नेक्रोसिस, उनके अंदर नेक्रोसिस हो चुकी थी, किसकी वजह से, क्योंकि उनको फ्लूड नहीं मिल रहा था, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड है वो नहीं मिल रहा था। हाँ, इसका कॉज आपका एफबीडी हो सकता है, इसका कॉज क्या हो सकता है, एफबीडी हो सकता है, फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंट। भाई अगर ये लंबे समय तक चलेगा तो क्या होगा,
भाई एक अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड है जो मेंटेन हो नहीं पाएगा, और जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड मेंटेन नहीं होगा तो किडनी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड मिलेगा नहीं, और जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो किडनी किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, तो उसी से क्या होगा आपका एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। अब इसी को डिटरमाइन करने के लिए कि भाई ये चीज है या नहीं, तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है फ्लूड चैलेंज टेस्ट। हम एक टेस्ट करते हैं फ्लूड चैलेंज टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम कि एक अमाउंट ऑफ फ्लूड, अमाउंट ऑफ फ्लूड मैंने ले लिया भाई 100 या फिर 200 ml ले ली। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लूड एक स्पेसिफिक रेट पर दी जा इन्फ्यूज किया जाता है, स्पेसिफिक रेट और इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम तो मैंने ले लिया 15 मिनट। ठीक है, तो अब इस टेस्ट के दौरान हम क्या करेंगे कि एक अमाउंट ऑफ फ्लूड मैंने कि 200 ml मुझे 15 मिनट में देना है। ठीक है, मैं ये दूंगा इस टेस्ट के अंदर, और ये जो प्रोसेस होगी बहुत रैपिडली करी जाएगी, रैपिडली करी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब देखो हाइपोवोलेमिया हुआ है तो आपका जो टिश्यू परफ्यूजन था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, जब जैसे ही टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हम ये रैपिडली देंगे ये हम इस टिश्यू परफ्यूजन को क्या करेंगे, मेंटेन अटेन करने की कोशिश करेंगे कि टिश्यू परफ्यूजन ठीक हो जाए। हमारा जो इस फ्लूड को, एक अमाउंट ऑफ फ्लूड को इतने टाइम में रैपिडली देने से का हमारा जो मेन मकसद क्या है, वो क्या है कि जो हमारी टिश्यू परफ्यूजन हमसे लॉस हुई थी हम उसको अटेन कर सकें, वापस से ले सकें। लेकिन इस चीज में हम ध्यान रखेंगे हमारा कोई जो कार्डियोवास्कुलर है वो अफेक्ट ना खाए, यानी कि वो अफेक्ट ना हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा अफेक्ट ना हो। ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा है, फ्लूड चैलेंज टेस्ट में कर रहे हैं कि एक अमाउंट ऑफ फ्लूड एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम रैपिडली दे रहे हैं। जब हम इसे देंगे रैपिडली इन्फ्यूज करेंगे फ्लूड को, अगर ये पेशेंट क्या हुआ, जो यानी कि जो कॉज हो रहा था, जो रीनल सिस्टम था, जो डिप्रेस रीनल सिस्टम था, अगर उसका कॉज FVD हुआ, यानी कि फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंट हुआ, यानी कि हमारी जो किडनी से यूरिन आउटपुट नहीं निकल रहा था, लो यूरिन आउटपुट आ रहा था, अगर उसका कॉज FVD हुआ, फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंसी हुआ, तो इस टेस्ट के दौरान हमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, इंक्रीज BP मिलेगा, इंक्रीज CVP मिलेगा। ठीक है, ये दो हमें सिम्टम्स देखने को मिले। अगर ये दोनों सिम्टम्स मिल रहे हैं इस टेस्ट के दौरान इतने अमाउंट ऑफ फ्लूड को इतने टाइम पे रैपिडली इन्फ्यूज करने पे, तो हमारा जो कॉज है इसका कॉज क्या है, FBD है। अगर इसके अलावा हमें कोई और सिम्टम्स मिलते हैं इस टेस्ट के दौरान तो हमारा जो कॉज है वो ये ना होके एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अंदर हम नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट में उसमें आपको क्या करना होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट मेनली क्या करेगी, ऑब्जर्विंग का काम करेगी। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, इनपुट आउटपुट चेक करोगे, है ना, इसको क्या करोगे आप, इनपुट आउटपुट चेक करोगे। इनपुट आउटपुट चेक क्यों करेंगे हम, कि हम भाई कितना उसको इनपुट दे रहे हैं और कितना हमारा आउटपुट आ रहा है, ये हमारा बताएगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड लॉस है वो ज्यादा तो नहीं है इनटेक से, जैसे मैंने आपको हाइपोवोलेमिया का कॉज बताया था। ये हमें कहां से पता चलेगा, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग से। ठीक है, और ये स्टिक मॉनिटरिंग होती है, स्टिक चार्टिंग होती है इनपुट आउटपुट की, आप कितना इनपुट दे रहे हो और कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करोगे, डेली वेट करवाओगे पेशेंट का, वेट मॉनिटरिंग। अब वेट क्यों मॉनिटर करवाएंगे हम, क्योंकि लॉस ऑफ वेट इंडिकेट लॉस ऑफ फ्लूड, कि अगर वेट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब फ्लूड भी डिक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर। अगर मैं बोलूं कि 1 kg पेशेंट का वेट लॉस हुआ है तो उसका मतलब है लगभग अप्रॉक्स 1 liter फ्लूड लॉस हुआ है पेशेंट का। ठीक है भाई, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे स्किन टर्जिस्टी,
स्किन टर्जर चेक करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। स्किन टर्जर देखने के बाद हम देखेंगे टंग टर्जर। जैसे आप स्किन टर्जर देख रहे थे वैसे ही हम टंग टर्जर देखते हैं। टंग टर्जर में क्या होता है कि देखो जो स्किन टर्जर है वो तो बाई एज अफेक्ट हो जाती है भाई। चिल्ड्रंस में अलग होती है, जैसे चिल्ड्रन में ये होती है भाई 2 सेकंड की होती है, अडल्ट में 3 सेकंड होती है, जो अडल्ट से ऊपर होते हैं उसमें ये थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, 3 सेकंड से ज्यादा होती है। ये बाय एज अफेक्ट होती है स्किन टर्जर। लेकिन आपकी जो टंग टर्जर है वो अफेक्ट बाय एज अफेक्ट नहीं होती। इसके अंदर क्या देखेंगे, अगर आपकी जो स्किन टंग की टर्जर है वो नॉर्मल है तो क्या आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रोज मिलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल फ्रोज क्या होते हैं, आपने कभी जब आप आईने में अपनी जीभ निकाल के देखते हो तो आपको जीभ में बीच में एक लाइनिंग दिखती है, ऐसे ऐसे लाइनिंग्स दिखती हैं, ठीक है। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल रहेगी ना तो ये आपकी नॉर्मल है, इसे बोलते हैं फ्रो। जो ये लाइनिंग है इसको फ्रो बोलते हैं। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है जीभ में देखोगे सीधी है तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्किन टर्जर, टंग टर्जर कहलाएगा। अगर वही स्किन ये फ्रोज वर्टिकल या फिर बहुत सारी ब्रांचेज में हो, जैसे मैंने जैसे आप जीभ फट जाती है ना, आप देखते हो कई बार जीभ फट गई तो ऐसे ब्रांचेस निकल जाती है ना, ऐसे धारियां दिखती है जीभ में, तो वो कहलाता है एबनॉर्मल, ठीक है। उसमें आप क्या होगा कि स्किन टर्जर डिक्रीज हो रही है, आपकी जो टंग टर्जर है वो डिक्रीज हो रही है, वो किसी वजह से हाइपोवोलेमिया की वजह से। समझ में आया? और क्या आप किसको देखोगे, या आप यूरिन सैंपल ले तो आपको आप ये देखोगे उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूएसजी है, यूएसजी यानी कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी इंक्रीज तो नहीं हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसके में मेजर्स लोगे, ठीक से उसे यूरिन उसे क्या दोगे, वाटर्स वगैरह दोगे पीने के लिए, ठीक है। समझ में आया? अब इसके बाद एक नर्स क्या कर सकती है, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेगी कि प्रिवेंटिव हाइपोवोलेमिया। तो इसमें क्या होगा कि अगर पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से एबनॉर्मल फ्लूइड लॉस हो रहा है, यानी मान लो पेशेंट को डायरिया हो रहा है, तो क्या करेगी एंटी डायरियल ड्रग्स देगी। क्या देगी, एंटी डायरियल ड्रग देगी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। तो क्या होगा, एंटी डायरियल क्या करेंगे, डायरिया को ट्रीट करेंगे, डायरिया ट्रीट होगा तो जो फ्लूड का जो लॉस है वो नहीं होगा, ठीक है। ये होगा प्रिवेंटिव मेजर्स में आएगा, प्रिवेंटिव हाइपोटेंशन। अगर मैं बात करूं करेक्टिव कि एक नर्स कैसे करेक्टिव हाइपोवोलेमिया को कैसे करेक्ट कर सकती है, हाइपोवोलेमिया, तो माने चलो किसी पेशेंट को फ्लूड लॉस हो रहा है ना, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुआ या कुछ हुआ, तो वो क्या करेगी उसे ओरल रूट से फ्लूड प्रोवाइड कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नर्स को पता चलता है कि इसका जो फ्लूड इनटेक है वो बहुत कम है। अब उसका कॉज कुछ भी हो सकता है, पेशेंट को जो फ्लूड है वो उसमें टेस्ट ना आ रहा हो, या फिर अंदर कुछ कुछ इंजरीज हुई हो जिससे तो पानी नहीं पी पा रहा, या फिर कड़वा आ रहा है। तो उसमें क्या हम इसके इस दौरान तरह तरह के मेजर्स लेंगे। जैसे मान चलो अगर उसे पानी पीने में कोई, हम उसे कोकोनट वाटर दे सकते हैं, कोई जूस प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा पानी दे सकते हैं उसको इरिटेशन, अगर कोई किसी कारण से उसे इरिटेशन हो रही है तो उसे इरिटेट ना हो, ठीक है। जैसा उसे चाहिए उसकी लाइक और डिसलाइक को ध्यान में रखते हैं हम इसमें उसे फ्लूड दे सकते हैं, ताकि जो आपका जो हाइपोवोलेमिया वो हो ही ना ड्यू टू द लैक ऑफ फ्लूड इनटेक, ठीक है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे आपका हाइपोवोलेमिया। इसमें हमारी एक चीज रहती जो हमने छोड़ दी थी वो है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस देख लेते हैं, वो हमें पहले डिस्कस करने थे लेकिन छूट चुका है तो मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो डायग्नोसिस में क्या होगा, पहले मैं लैब टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। लैब टेस्ट में मुझे क्या देखा कि मैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन प्लस क्रिएटिनिन का रेशो चेक करूंगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल चेक करूंगा, रेशो चेक करूंगा। नॉर्मल अल्टीमेट का जो रेशो होता है वो 10:1 होता है, यानी कि 10 BUN रहेगा और क्रिएटिनिन 1 रहेगी, ये नॉर्मल रेशियो है। अगर आपका जो पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिया है, यानी कि उसका ब्लड लॉस, ब्लड जो फ्लूड वॉल्यूम है वो लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर इसका रेशियो क्या मिलेगा, 20:1 से ज्यादा, इससे ग्रेटर आएगा तो वो किसमें चला जाएगा, आपका हाइपोवोलेमिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या देखूंगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखूंगा जो कितनी होगी आपकी 1.035 से इंक्रीज होगी। ये रेंज की बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल की बात करूं तो 1.020 से इंक्रीज होगी हायर, ठीक है। ये भी अगर ये ध्यान रखना, एक ध्यान रखना कि उसकी जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.035 से इंक्रीज होगी। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज मतलब वो हाइपोवोलेमिया हो रहा है उसको, ठीक है। ये किस में आएगा, आपका डायग्नोसिस में आएगा। और मेनली यही है, एक तो ये हो गया,
और हाँ, एक उसका हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज हेमाटोक्रेट होगा ना, हेमाटोक्रेट में बता ही चुका हूँ आपको। अब एक होगा कि हीमोग्लोबिन क्यों इंक्रीज हो रहा है सिम्टम्स में, और डायग्नोस में ये इंक्रीज क्यों मिलेगा, तो देखो ये इंक्रीज ऐसे मिलेगा कि फ्लूड लॉस हुआ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना, ऊपर बता देता हूँ, फ्लूड लॉस हुआ, फ्लूड लॉस से ब्लड अमाउंट डिक्रीज हुई, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, और जब ब्लड अमाउंट डिक्रीज हुई तो जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी थी वो डिक्रीज हुई, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई। और जब ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, तो बॉडी क्या करेगी भाई, उसे तो ऑक्सीजन चाहिए ना, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए हर ऑर्गन को, तो वो क्या करेगी, ठीक है फ्लूड लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ब्लड सेल्स बढ़ा दो। अब जो इसकी कैपेसिटी है वो किसके पास होती है, आरबीसी के पास होती है, ठीक है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। जब आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितनी ज्यादा आरबीसी रहेंगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड होगी, ठीक है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बॉडी ने क्या किया, आरबीसी बढ़ाई, और आरबीसी जैसे बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, एच भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका हाइपोवोलेमिया। आपने देखा हाइपोवोलेमिया क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट आपने देख लिया क्या होता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट देख लिया है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम चैनल पर। ओके, थैंक यू।